डिमांड पूरी ना होने पर गरीब का छीना आसियाना, पीड़ित की आवाज दबाने बलपूर्वक की गई कार्रवाई। मामला है छत्तीसगढ़ धमतरी जिला का, जहां नगर पंचायत मगरलोड में बड़ा मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत के निर्देशानुसार बलपूर्वक गरीब पीड़ित का आशियाना छीना गया। पूरा मामला मगरलोड नगर के पंचायत मथुरा नगर वार्ड क्रमांक 10 में नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा 2 लाख राशि की मांग की गई, लेकिन गरीब अनुसूचित जनजात परिस्थिति से लाचार होने के कारण मांग पूरी न करने के कारण जेसीबी द्वारा दिन शनिवार को तोड़वा दिया गया। हद तो तब पार हो गई जब पीड़ित महिला कुमारी सतनामी के पुत्र का पुलिस प्रशासन द्वारा थप्पड़ मारा गया और गाली गलौज से बात किया। साथ ही पप्पू सतनामी, जो कि बुजुर्ग शारीरिक अवस्था में व्यक्ति, अपना घर टूटते देख बेहोश हो गया, जिसके बाद कब्जा हटाने आई टीम के द्वारा मुर्दा जैसा व्यवहार कर अस्पताल में छोड़ दिया गया। महिला और उसकी बेटी को पकड़ लिया गया। बताया गया कि पीड़ित पिछले 40 वर्ष से उस जमीन पर काबिज है और पट्टा भी है। बुजुर्ग सांस की बीमारी से पीड़ित है, जिसके साथ ऐसा व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामले को लेकर नगर पंचायत सीएमओ का कहना है कि जमीन अवैध कब्जा किया हुआ है, जो कि पानी टंकी के बाउंड्री वॉल के लिए प्रस्तावित है और अवैध है, जिनके पूरी नियम के साथ कार्रवाई किया गया है। इस मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरी बातों को बेबुनियाद और झूठा आरोप बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। अब देखना यह होगा कि जनप्रतिनिधि सत्ता पहुंच के चलते गरीब शेरासी की डिमांड पूरी न करने वाले गरीब पीड़ितों के साथ गुंडागर्दी पूर्वक गरीबों का आशियाना ऐसे ही छीना जाएगा या इन पर जिला प्रशासन। पर्चे बाबा, ये जगह 40 साल हो गए राहत मोला और ये जगह मकान में उतने बड़े घर सामने तुम छोटे से मकान में मोर 8 परिवार यहाँ पूरा निस्तार करत हूँ, रहे जगह भी नहीं रहा। ऐसे तैसे करके छोटे से मकान यही तरफ बना था और मेला मोला यही करना रही से कि ने मकान में परिवार देख करके मोर छोटे होते तो पीछे तरफ मोर 40 साल के जगह जो बकरी बाड़ी टाइप में रखे रहे हूँ बोले मैं बनात रहे और बनाए के बाद में तुलनी बनाने करके मुझसे 2 लाख रुपया मंगीश तो मैं कहाँ से दे, 2 लाख रुपया मंगीश थे अध्यक्ष है मंगीश। कौन से अध्यक्ष? ये का खिलावन जो अध्यक्ष है ओकर प्रतिनिधि है, मांग करी कि 2 लाख रुपया देवे तो मकान कल नहीं टूटे ही और 2 लाख रुपया अगर देवे तो मकान तो बच जो नहीं देवे तो टूट ही तो मकान है और मैं 2 लाख रुपया बगैर नहीं मांग माना ऐसे करके 50,000 और बाद में किए बिहना का नोटिस वोटिस कुछ नहीं दे रही से और मैं तीनों ठन कलम ले छोड़ दी मिस्त्री मंत्री जमात रहे इस गाड़ी और एक बाद में कि 3 ठन गाड़ी इस पुलिस फोर्स से लेकर के और पकड़ ली। सब पकड़े बाद जब बेहोश हो गये तो अस्पताल में लेगी से छोड़ दी से छोड़ करके भगा गए वो भी बच्चा सब लोग पकड़ ली। सब पकड़ करके जो मनमानी जिसने तोड़ना रही उसने तोड़ फोड़ करी। हाँ, मेरे पास एक पट्टा है, मैं 40 साल के कर निवासी हूँ और मैं 40 साल एक बाद 17 साल ये जो एलब हाउस बने मोर रहे बात बनेगी। मेरे पास उसका पैसा नहीं रही से तो मैं कहाँ से देते हैं। मेरे पास तो ले दे करके कि मैं 1,45,000 में अपन मकान पुराना मकान जो गांव रही से टूटी फूटी झोपड़ी से बेच करके लाके मैं यहाँ घर बनाते हैं कि मोर परिवार की रहना बसना करके तो मैं उतक पैसा कहाँ दे सकते हूँ। मैं उतना बोले कि नहीं भाई, मैं गरीब आदमी भरे छमनी नहीं करूँ उतनी कर रहा हूँ 20-30 हज़ार रुपया अगर दे सकूँ भाई ले लेता हूँ। पाप करता हूँ हाथ जोड़ करके मैं जेठ को कर पैर भी करता हूँ, जेठ के उसी मंगाता हूँ और जेठ के कहने का मतलब है मकान ले मकान चालू करे हूँ। आज तक से मैं नमो लेने सीधी और खाली 2 बार हो गए तोड़ फोड़, एक बार तोड़ फोड़ करीस तो 28,000 रुपया की मोर चोड़ दीस और वे दफे तोड़ फोड़ करे तो मोर 2,10,000 रुपया अभी तोड़ फोड़ करे थे अभी खर्चा है तोड़े रही साहब है मेरे। मैं कुमारी बाई सतनामी मंगल लोड के निवासी है, नगर पंचायत मंगल लोड वार्ड क्रमांक 10 मथुरा नगर में है मेरा घर। 10 मतलब 40 साल से काबिज हूँ। क्या समस्या आप मन के? अपन मकान ला बना रहे छोटे से पिछुड़ा घर के पीछे में घर में रहे जगह नहीं है, जर्जर हो गए पूरा पानी भर जाते घर में तब बनात रहे हूँ तो नगर पंचायत वाला मन आके तोड़ दी मोर घर ला न नोटिस दिस न कुछ नहीं न जानकारी नहीं दिस और ओकर उपराध की ही हमार नगर पंचायत अध्यक्ष है ओकर प्रतिनिधि जो ओकर पति है वो है कि आज पैसा देवे रात कन तो कल तोर घर बात जही नहीं फिर मैं तोड़वाहू 2 लाख के बजे रात के फोन लगा रही से ऐसे 8-10 बजे अरे महू तो तक ला जानो नहीं न टाइम काम वाला 8-10 बजे हो ही 8-9 बजे 10 बजे कभी
अंदाजा बतात हूँ महू तो टेम टाइम नहीं जानो और ये वहाँ आते इसी फोन पे उठा लेते हूँ फोड़ करे बर तहसीलदार और सीओमो पूरा पुलिस फोर्स सब आ रही से मोर घर वाला बांध के मोर बेटा दो तीन रापट मार के गाड़ी में बंद करके ले गए और हमारे पुलिस वाली मैंने पकड़ ली महतारी बेटी ला और फोड़ दिस पूरा तोड़ दिस पूरा कोई दोस्त मैंने किसी से नहीं भाई मैं छोटे से दुकान है तेल बैठ के चला था मोर तबियत अच्छा नहीं रहा मैं दोनों पैर के लाचार हूँ एकदम और वही से मोर गुजारा करता हूँ मोर लोग लेकर मतलब पढ़ात हूँ हलवा झलवा और सरकार चावल दे तेल खात हूँ गरीबी में इससे मोर करना खेत नहीं खानी है कुछ नहीं बारे सर तोरे है एक बार पहली साइड में बनाते रहे हूँ वही मन बोले रही साइड में बना ले कह के अध्यक्ष है ओकर बाद फिर बलपूर्वक आग तोड़वा दी तो बना नहीं दे कह के एला झन बना के तो पीछे बना ले किस ओकरे कहने के मुताबिक से बना रहे हैं पर भी वो पैसा का डिमांड पहली बार खर्च तो नहीं करी लेकिन पीछे दारी कर दी डिमांड पैसा के इतना इतना दे दे तब इतना मटेरियल लग रही ओमा 27-28 हजार के ओमा लग गई रही वो मटेरियल कहाँ है वो तो सब जपत कर ली छाड़ वाड़ सब जपत कर ली सब ले गए मतलब सब ले गए नगर छाड़ वगैरह सब हाँ यहाँ चौखट लग रही कौन ले गया उसको अध्यक्ष बलपूर्वक ले गए यहाँ में चौखट वाउखट पूरा सब ले गए कौन पैसा मांग करी साहब मन से जो अध्यक्ष है के ओकर प्रतिनिधि है मांग करी कि 2 लाख रुपया देवे तो मकान कल नहीं टूटही और 2 लाख रुपया अगर देवे तो मकान तो बच जो नहीं देवे तो टूटही तो मकान है और मैं 2 लाख रुपया बगैर नहीं मांग माना ऐसे करके 50,000 कौन सा अध्यक्ष पुलिस है जनपद अध्यक्ष पुलिस के नगर पंचायत नगर पंचायत ओकर बाद में कहा ओकर बाद में केन बिहना का नोटिस वोटिस कुछ नहीं देरी से और मैं तीनों ठन कलम लेकिन छोड़ दी मिस्त्री मंत्री जमात है इस गाड़ी और एक बाद में कि 3 ठन गाड़ी पुलिस फोर्स से लेकर के हमने पकड़ ली सब पकड़ के बाद जब बेहोश हो गए तो अस्पताल में लेगी से छोड़ दी से छोड़ करके भगा गए वो बीवी बच्चा सब लोग पकड़ ली सब पकड़ करके जो मनमानी जिसने तोड़ना रही उसने तोड़ फोड़ करी अच्छा पट्टा है नहीं बाबा हाँ मेरे पास एक पट्टा है मैं 40 साल के कर निवासी हूँ और मैं 40 साल एक बाद 17 साल ये जो अलग होश बने मुझे एक बात बनेगी तो जब पैसा मांगी तो अपन पैसा नहीं दे मोर पास उसका पैसा नहीं रही सच में कहाँ से देते हैं मोर पास तो ले दे करके कि मैं 1,45,000 में अपन मकान पुराना मकान जो गांव रही से छोटी फूटी झोपड़ी से बेच करके लाके मैं यहाँ घर बनाते हैं कि मोर परिवार की रहना बसने करके मैं उतना पैसा कहाँ दे सकते हूँ मैं उतना बोले कि नहीं भाई मैं गरीब आदमी बड़े क्षमे नहीं करूँ उतनी कर 20-30 हजार रुपया अगर दे सकूं भाई ले लेता हूँ से पाप करता हूँ हाथ जोड़ करके मैं जेठ को कर पैर भी करता हूँ जेठ के नहीं मांगा था और जेठ के कहने का मतलब है मकान ले मकान चालू करे आज तक से मैं नमो लेने सीधी और खाली 2 बार हो गए तोड़ फोड़ एक बार तोड़ फोड़ करी तो 28,000 रुपये की मोर छोड़ दी और वे दफे तोड़ फोड़ करे तो मोर 2,10,000 रुपया अभी तोड़ फोड़ करे थे अभी खर्चा है तो पहले 28,000 आपसे तोड़े रही साहब है ठीक जी आपको नया नहीं मिलता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा क्या करेंगे आप अब मोर घर नान चाह रही थे बना रहे हूँ नहीं बना दीजिए अगर कल के डेट में कुछ होते तो इसका जाति पर थोड़े करे या क्या करे रात तो चमड़ी ढूंढने सतनामी से गाली देते नगर पंचायत के मन जा हूँ आवेदन दे बढ़ता और मर जाता हूँ तो पुलिस कर्मचारी रही मंगलोर नगर पंचायत के और तहसील ऑफिस रही और जो नगर पंचायत रही जिला प्रतिनिधि जन नगर पंचायत प्रतिनिधि खिलावन साहू रही और कौन रही जो मोर घर लत्तापान थे करवा है हमारा जीना तो दो सवार हो गए मोर बाल बच्चा का पेपर रही से पेपर नहीं दिला सकी मानसिक तनाव देवे एक नाम लेके अब का करूँ मोर लड़का कुटिया पीछे करके पढ़ाते रहे कल के डेट में कहीं लग जाही के वो तो नहीं हुई सर अब का करूँ मोर लड़का भी आज नहीं दे ला सकी पेपर पूरा अब ला अब लास्ट अब सबका है हम लत मरे पर छोड़ दे है, मरना है आत्महत्या करके बच्चे बताएंगे मैं नीतू साहू अध्यक्ष नगर पंचायत मगर रोड है घर उसके बारे में आपको कब समझ में आया जैसे कि आप सब लोग को जानकारी है कि उसका अतिक्रमण में नाम आया था और प्रशासन को हमने सौंप दिया था आगे कार्रवाई प्रशासन ने की और उसको सब हमारे पार्षद 8 पार्षद हैं जिसकी सबकी सहमति प्रस्ताव सबकी सहमति से प्रस्ताव हुआ था
उनको समझाने भी गए थे कि आपको इतना जगह छोड़ के दो कमरे का आपको बनाना है और इतना जगह छोड़ देना है। कल के डेट में पता नहीं पानी टंकी अचानक से गिर जाएगी तो नाम तो नगर पंचायत का ही खराब होना है। तो उनको समझाइश दी गई थी आप इतना जगह पे बना सकते हो इतने जगह को छोड़ के। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपने मन का किया, आगे जो हुआ परिणाम आप सब देख रहे हैं। उनका आरोप है कि आपके प्रतिनिधि द्वारा 2 लाख रुपए की राशि की मांग की गई थी, इसके बारे में उन्होंने 17 साल ईमानदारी से अपनी नौकरी की, ना ही किसी शासन का जो इनको जो राशि इनको अपना मेहनत आना जो मिला उसी से अपनी जिंदगी गुजर बसर चल रही है इनकी। और ये जो आरोप लगाया इन्होंने सरासर बेबुनियाद है। लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया कि आपके प्रतिनिधि के द्वारा रात को 9-10 बजे के करीब फोन लगाकर उनके राशि की डिमांड की गई है। मैं भी साथ में थी इनके जो ये बोल रही फोन आया, ना तो इनका फोन आया ना ही बात हुई है। आपके द्वारा फोन किया गया है आपके प्रतिनिधि द्वारा? नहीं बिल्कुल नहीं, उनके पास में ये मतलब कॉल डिटेल है मैडम। ये तो बोल रही फिर झूठ है, आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं जी। क्या जो है वो एक जातिगत द्वेष को लेकर किया गया है फिर प्रशासनिक कार्रवाई की गई? ये प्रशासनिक कार्रवाई है नहीं। मौके पर कौन कौन उपस्थित थे? मौके पे अपने सीएमओ सर थे और नगर पंचायत के कर्मचारी भी थे। उनके परिवार वालों के द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, इस बारे में क्या कहना है? अब ये तो प्रशासन ही जाने क्या क्या। आप उपस्थित थे या नहीं थे? नहीं मैं वहां नहीं थी। अच्छा, किस प्रशासन के? पुलिस प्रशासन की झड़प हुई या नहीं हुई ये तो मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। और ये का सुनाई में दिया मुझे, फोन भी आया था वहां से कि इन्होंने जो मुंह में आया वो मतलब सबको गाली देती गई, ना ही किसी की सुनती है ना ही किसी की समझती है। तो इसके अलावा और कितनी कार्रवाई किया गया आपके द्वारा? और 2-3 जगह और है इससे पहले। इससे पहले जिनका जिनका नाम आया था उनका हुआ है अतिक्रमण। अनुमानित कितने लोगों का? अनुमानित 9-10 पहले था, अभी लगभग 3। क्या यह बात सच है कि राशि लेकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया है? जहां तक मुझे जानकारी है ना ही हमारे पास कोई ऐसी राशि आई है और जो ये बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। कुमारी भाई सतनामी का जो घर टूटा है उसके बारे में आपको क्या जानकारी सर, उसके पूरा घटना बताएंगे? उनका पुराना घर नहीं टूटा है, जैसे क्या कि नगर पंचायत का जो ओवरहेड टैंक है उसकी जमीन में वहां पर अतिक्रमण करके वो लोग बना रहे थे, जबकि वहां पर बाउंड्री वाल प्रस्तावित किया गया, उसको वहां पर बाउंड्री वाल भी बनना है। तो पूर्व में भी इसमें कार्रवाई किया गया था, पूर्व में भी एक बार मतलब अतिक्रमण को हटाया गया था, मगर वो बार बार सूचना देने के बावजूद भी मान लिया। आपके प्रस्ताव से पहले उनके पास में जो पट्टा है उसका क्या सर? वो पट्टा वहां का नहीं है, वो जमीन तो बड़े झाड़ के जंगल है और नगर पंचायत का जो टंकी है वहीं पर बाउंड्री वाल के लिए बन रहा है। तो उनका जो पट्टा है वो पट्टा वाली जमीन के अंदर हम कुछ नहीं थे इसके अंदर। तो सर वो बता रहे थे उस जमीन का पट्टा है? उस जमीन का कहीं कोई पट्टा नहीं है। अच्छा, प्रतिनिधि है उनके द्वारा राशि की मांग की गई है 2 लाख, इस बारे में क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। यदि मांग की गई है उन्होंने बताया तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या चीज का? राशि की मांग की गई है सर 2 लाख की। मांग किया गया प्रति अध्यक्ष किया गया है पंचायत में राजस्व अमले के द्वारा किया गया। कौन कौन उपस्थित है सर इसमें? तहसीलदार, नायब तहसीलदार सर। वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं उनके साथ में पुलिस प्रशासन के हाथ पाई किया गया है, इस बारे में आपका कुछ संज्ञान में है? जातिगत गाली गलौज भी किया गया उनके साथ? तो आप वहाँ पे उपस्थित थे या नहीं थे? नहीं तो हम नहीं सुने, दूसरी तरफ आप उपस्थित थे वहाँ? हम तो थे उपस्थित। तो वो जो कार्रवाई है नियम के तहत किया गया है? उनको नोटिस इससे पहले नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया? नोटिस दिया गया। कितने बार नोटिस दिया गया है? 3-4 बार नोटिस। लेकिन उनको जो उनका उन लोग बता रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया है? सब दिया गया। तोड़ने का पूर्व आपने नोटिस दिया है? दिया।
उनकी कॉपी प्रतियां सब उपलब्ध करवा लीजिएगा सर।